शिवपुरी जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत कस्टम गेट खारकुआ के पास एक घर में फ्रिज का कंप्रेसर फट जाने से घर में आग लग गई। घर में आग की लपटें देख तत्काल सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। मौके पर फायर ब्रिगेड ने पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। जिस समय घर में आग लगी थी उस समय घर में एक बुजुर्ग महिला अकेली थी, जिसे समय रहते सुरक्षित घर से बाहर निकाल लिया गया। घर के सदस्य भानु शर्मा ने बताया कि एकाएक घर में शॉर्ट सर्किट हुआ, जिससे घर में रखे फ्रिज का कंप्रेसर फट गया और घर में आग लग गई। आग लगने से घर में रखे कपड़े, गृहस्थी का सामान, सोने चांदी के जेवर और 50,000 रुपए कैश भी जलकर खाक हो गए। भानु शर्मा, आग का हादसा हुआ किसके घर हुआ? ये मेरे घर पे हुआ। मैं किस जगह? ये खारेकुआ के पास में, कस्टम गेट रोड के पास। आग कैसे लगी? आग मुझे जानकारी मतलब एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि मैं उस समय लाइब्रेरी में था और यहाँ पर मुझे लगता है शॉर्ट सर्किट से लाइट आग लगी है और फ्रिज में आग लगी है। उसकी वजह से हमारे घर में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है और लगभग हमारे घर की जो पुश्तैनी रकम वगैरह जो थी वो जल करके खाक हो गई। लगभग 50,000-60,000 रुपये नकदी हमारा जल गया है और रकम तो लगभग पूरी जल गई है, कोई कुछ नहीं बचा। आप ऊपर जाकर चेक कर सकते हैं। और कपड़ों में भी आग लग गई है, गद्दे, कप, पलंग वगैरह, इन सब चीज़ों में आग लग गई है। लाइट फिटिंग पूरी बर्बाद हो चुकी है, घर पूरा काला पड़ गया है। और जब हमने प्रशासन को फ़ोन लगाया नगर पालिका, तो कोई भी यहाँ पर मौके पर मौजूद नहीं हुआ। नगर पालिका अध्यक्ष जी का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। हमारे जो पार्षद हैं, स्थानीय पार्षद सीटू भैया, वो आए थे और पुष्पेंद्र रावत करके एक हमारे सोनू भैया हैं, बड़े उनके मित्र हैं, पुलिस में हैं, तो उनको फ़ोन लगाया गया। तो वो आए और उन्होंने काफ़ी मदद करी और सिलेंडर वगैरह बाहर हमारे निकलवाए और घर में जो बचाया जा सकता था वो बचाया। तो आग लगी थी उस समय घर में कोई नहीं था? उस समय हमारी दादी घर में थी सिर्फ, और हम लोग लाइब्रेरी में थे, मैं और मेरे भाई। शिवपुरी से कुलदीप गुप्ता की ये रिपोर्ट।